क्योंकि दोस्तों आज हमारे दिन की शुरुआत ऐसे समाचारों से होती है जहां चारों ओर विनाश है। मनुष्य बारूद के ढेर पर बैठा है, धर्म की आड़ में पशुओं की बलि दी जा रही है और पालने में झूलने की उम्र में ही कन्याओं के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। इतना सब कुछ देखने व सुनने के बाद भी हमारा मन जरा भी कल्पता नहीं है। हम लंदन के म्यूजियम मैडम तुसार में रख के मोम के पुतले बनकर रह गए हैं, परंतु यह कहने से नहीं चूकते कि हे ईश्वर, ये तेरी कैसी लीला है। कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर की सबसे सुंदर कृति है। जहां जीवन है वहां ईश्वर है। और हम अपने विद्यालयों में भी तो प्रार्थना करते हैं कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही। और अपने गुरुओं के लिए भी तो हम कहते ही हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। पर ये जो आए दिन हमें जीवन की कला सिखाते हैं, उन्हीं गुरुओं का विद्यार्थियों द्वारा सरेआम तिरस्कार एक आम बात बन गई है। वहीं दूसरी ओर हमारे भगवान कहलाने वाले हमारे माता पिता जीवन के अंतिम दिनों में वृद्ध आश्रम में रहने के लिए मजबूर होते हैं। वहीं धर्म के कुछ ठेकेदारों ने वसुधैव कुटुंबकम कहलाने वाली हमारी धरा को रण क्षेत्र बना दिया है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमें ईश्वर में विश्वास नहीं है, परंतु यदि मन में वैर है तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाना ये सिर्फ सैर है। संत कबीर जी ने भी कहा है, मोको कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। तो अब समय आ गया है कि हम स्वयं का अवलोकन करें और शीशे पर पड़ी अज्ञानता की धूल को साफ करें, ताकि हम अपनी गलतियों कमियों तथा असफलताओं के लिए ईश्वर को दोषी ना ठहराएं। क्योंकि कौन है जिसके पास कमी नहीं है, कौन है जिसके पास कमी नहीं है, तू खुद की तो छोड़ छोड़ बंदे, यहाँ आसमां के पास भी जमीन नहीं है।